अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्पर्मेटोजेनेसिस के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म या डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म्स को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है, यानी स्पर्म्स के जो बनने का प्रोसेस है उसे स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को हम दो डायग्राम्स के जरिए समझेंगे। एक तो ये स्टेप वाइज देखेंगे कि एक सेल कैसे स्पर्म्स की स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और सेकेंडली देखेंगे कि स्पर्म सेल कहाँ पर बनते हैं और कौन से सेल्स उन स्पर्म सेल्स को हेल्प कर रहे होते हैं, न्यूट्रिशन कहाँ से ले रहे होते हैं। सो इस डायग्राम के जरिए वो चीज़ें समझेंगे। सो हमें पता है स्पर्म सेल जो हैं वो मेल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। मेल के जो सेक्स सेल्स हैं उन्हें हम स्पर्म सेल्स बोलते हैं, और ह्यूमन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम स्टडी कर रहे थे, तो यहाँ पर हम ह्यूमन के ही स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को समझेंगे। सो मेल के अंदर टेस्टिस के अंदर, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है। सो होता क्या है कि टेस्टिस के अंदर कुछ प्रीमोर्डियल स्पर्म सेल्स होते हैं या स्टेम सेल्स होते हैं, जो कि ये एबिलिटी रखते हैं स्पर्म में कन्वर्जन की या डिवाइड होके स्पर्म बनाने की, वो एबिलिटी रखते हैं। सो यहाँ पर एक सेल मैंने ड्रा कर रखा है, इस सेल को स्पर्मेटोगोनियम कहा जाता है, यानी ये सेल्स टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की वाल में प्रेजेंट होते हैं, और ये स्टेम सेल के तौर पर एक्ट करते हैं, यानी ये इन सेल्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये स्पर्म्स की प्रोडक्शन करवा सकें, और इन सेल्स को स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है। स्पर्मेटोगोनिया प्लूरल है और सिंगुलर को स्पर्मेटोगोनियम कहेंगे। सो यहाँ पर एक स्पर्मेटोगोनियम को लेते हैं और देखते हैं कि स्पर्मेटोगोनियम किन फेजेस से, किन स्टेप्स से होकर स्पर्म्स की प्रोडक्शन कर रहा होता है। सो स्पर्मेटोगोनियम इज काइंड ऑफ स्टेम सेल, और ये डिप्लॉयड इन नेचर होता है, यानी इसमें क्रोमोसोम नंबर 2n होता है। अच्छा, स्पर्मेटोगोनियम फर्स्ट डिवीजन करता है, यानी ये डिवाइड होता है बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। कौन से प्रोसेस से? माइटोसिस से। और आप अच्छे से जानते होंगे कि माइटोसिस के ज़रिए से जब कोई सेल डिवाइड होता है तो वो एक सेल दो में डिवाइड होता है, और दोनों सेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। सो इस केस के अंदर 2n है, तो इन सेल्स के अंदर भी 2n क्रोमोसोम नंबर होगा। सो स्पर्मेटोगोनियम की डिवीजन हुई, दो सेल्स बने, इन दो सेल्स को नाम दिए गए। एक सेल को टाइप बी कहा गया, एक सेल को टाइप ए कहा गया। टाइप ए वाले जो सेल्स हैं वो सेल्स क्या करते हैं, उनके अंदर ये एबिलिटी है कि वो दोबारा से इस सेल की जगह ले सकें, क्योंकि ये तो डिवाइड हो गया, इन दो में कन्वर्ट हो गया, तो अब ये जो टाइप ए सेल है ये दोबारा से इस जगह पर चला जाएगा और रेडी होगा नेक्स्ट टाइम स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए। सो टाइप ए सेल नाम से, यानी कि जब भी सेल डिवाइड होगा, दो सेल बनेंगे, उनमें टाइप ए सेल दोबारा से उस जगह पर चला जाएगा ताकि दोबारा से स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए वहाँ पर कोई सेल, स्टेम सेल मौजूद हो। जबकि टाइप बी जो सेल है उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो फर्दर डिवाइड होकर स्पर्म की प्रोडक्शन करे। सो टाइप बी सेल की तरफ चलते हैं। टाइप बी सेल अपनी फर्स्ट डिवीजन करता है बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस अगेन। सो यहाँ पर अगेन माइटोसिस का प्रोसेस होगा, इसका मतलब है यहाँ पर ये सेल 2n है, तो जो नेक्स्ट सेल बनेगा वो भी 2n होगा, और डेफिनेटली माइटोसिस से दो सेल बनते हैं, तो यहाँ पर दूसरा सेल जो बना है उसे मैं नहीं ले रहा, हम एक ही सेल को लेकर आगे चलते हैं। सो टाइप बी से जो नेक्स्ट डिवीजन माइटोसिस के जरिए जो सेल बना उसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहा जाता है। स्पर्मेटोसाइट यानी ये स्पर्म प्रोड्यूस करने वाला सेल है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये पहला स्पर्म प्रोड्यूस करने वाला सेल है, यानी अब ये सेल जो है स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए बिल्कुल रेडी है। सो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो कि डिप्लॉयड इन नेचर है, इसके अंदर फर्दर डिवीजन होगी, और ये डिवीजन बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस होगी। अब यहाँ से आगे डिवीजन कौन सी है? मियोसिस। मियोसिस के जरिए ये डिवाइड होगा, और आप जानते हैं जब भी कोई सेल मियोसिस के जरिए डिवाइड होता है तो उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। सो दिस इज़ मियोसिस वन, और मियोसिस वन में क्या होता है, दो सेल बनते हैं और दोनों सेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। सो यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर एन रह गए हैं, और ये दोनों सेल्स आप कहलाते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, यानी ये सेकेंडरी हैं और ये स्पर्म प्रोड्यूस करने वाले सेल्स हैं। ओके, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर फिर मियोसिस की सेकंड फेज होता है। आप जानते हैं मियोसिस के दो स्टेप्स होते हैं, मियोसिस वन एंड मियोसिस टू। मियोसिस वन में एक सेल दो में डिवाइड होता है, हैप्लॉइड नंबर हो जाता है क्रोमोसोम का। मियोसिस टू जस्ट लाइक माइटोसिस होता है, वो क्रोमोसोम नंबर उतने ही रहते हैं और आगे वो दो दो सेल में और डिवाइड हो जाते हैं। सो यहाँ पर ये सेल फर्दर दो में डिवाइड हो जाएगा और ये सेल फर्दर दो में डिवाइड हो जाएगा। सो एक सेल से चार सेल्स बनते हैं मियोसिस के अंदर, और चारों के अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है। सो यहाँ पर भी ये होगा, यहाँ पर मियोसिस टू होगा। सेकंड फेज कौन सा स्टार्ट हुआ है? मियोसिस टू।
सो यहाँ पर मियोसिस टू के जरिए चार सेल बन चुके हैं और अब ये जो चार सेल्स बने हैं इन्हें स्पर्मेटिड्स कहा जाता है। स्पर्मेटिड्स क्या होते हैं? बेसिकली ये स्पर्म सेल्स ही होते हैं विदाउट टेल। सो स्पर्मेटिड्स को आप कैसे डिफाइन करेंगे? स्पर्म सेल्स विदाउट टेल आर कॉल्ड स्पर्मेटिड्स। अच्छा, स्पर्मेटिड्स फिर फर्दर मैच्योर होते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं, इनकी टेल लग जाती है और ये फाइनली कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू मैच्योर स्पर्मेटोजोआन्स। ये एक स्पर्मेटोजोआन सिंगुलर है, स्पर्मेटोजोआ प्लूरल है। सो स्पर्मेटिड्स जब स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाएंगे तो हम कहेंगे प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट हो चुका है। तो ये स्पर्मेटिड्स के साथ जब टेल लगती है तो ये इनको फिर हम स्पर्मेटोजोआन कहेंगे या स्पर्म्स कहेंगे। तो ये प्रोसेस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का, जिसमें एक स्टेम सेल होता है जो फर्दर कुछ स्टेप वाइज डिवीजन कर रहा होता है और करते करते स्पर्म्स की प्रोडक्शन करते हैं। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से चार स्पर्म सेल्स बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। यहाँ से मियोसिस स्टार्ट होती है, यहाँ पर ऊपर दो फेजेस माइटोसिस के होते हैं। ओके, अब ये प्रोसेस इस प्रोसेस को देखते हैं कि टेस्टिस के अंदर ये प्रोसेस कैसे होता। सो टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, इस तरीके से लॉन्ग लॉन्ग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को हमने कट किया और क्रॉस सेक्शन एरिया उसका देखा। सो ये राउंड सी होती हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और इनके अंदर जो बिल्कुल सेंटर में खाली जो जगह होती है ना, उसे ल्यूमेन कहा जाता है। सो दिस स्पेस इज़ कॉल्ड ल्यूमेन, और ये इस स्पेस के बाहर कुछ सेल्स होते हैं, सेल से मिलकर बनी होती है। सो खाली जगह ल्यूमेन है और बाहर कुछ सेल्स हैं, उनके अपने अपने नाम हैं। सो यहाँ पर ये जो लार्ज से आपको सेल नज़र आ रहे हैं ग्रीन कलर के अंदर, इन सेल्स को सर्टोली सेल्स कहा जाता है। ये रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स से, यानी इनके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होती है। और फिर यहाँ पर ये जो आपको ग्रीन कलर के सेल्स नज़र आ रहे हैं, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं। ये ब्लैक कलर की लाइनिंग है, इसके साथ बिल्कुल अटैच जो सेल्स होते हैं ग्रीन कलर में, ये वाले सेल्स आगे स्पर्मेटोगोनियम, यानी ये स्टेम सेल्स हैं जो कि स्पर्म्स की प्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं। और इसके अलावा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो वाल है उसकी ज़रा सा आउटसाइड स्पेस में कुछ और सेल्स भी होते हैं जिन्हें लैडिक सेल्स कहा जाता है। अच्छा, ये लैडिक सेल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, यानी ये लैडिक सेल्स टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। और टेस्टोस्टेरोन आप जानते हैं मेल हार्मोन है जो मेल सेकेंडरी कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हेल्पफुल होता है, और इसके अलावा इस टेस्टोस्टेरोन का स्पर्म्स की फॉर्मेशन में भी एक रोल होता है जो हम स्टडी करने वाले हैं। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये स्टेम सेल्स हैं, ये इस तरीके से स्टेप वाइज प्रोसेसेस से गुजरते हुए स्पर्म्स की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, और जैसे जैसे आप देखें तो स्पर्म्स की प्रोडक्शन ल्यूमन के करीब करीब हो रही है। ठीक है, यहाँ पर स्पर्म की प्रोडक्शन हो रही है, तो उसी तरीके से ये वाले स्टेप्स चलते जाते हैं। अच्छा, इन स्पर्म सेल्स को प्रोडक्शन न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं ये सर्टोली सेल, और ये सर्टोली सेल्स अंडर कंट्रोल होते हैं FSH एंड LH हार्मोन के। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहा होता है, वो यहाँ पर इन्हें स्टिमुलेट करता है। ये सर्टोली सेल्स फिर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं इन स्पर्म सेल्स को, स्पर्म सेल न्यूट्रिशन को यूज़ करके फर्दर डिवीजन कर रहे होते हैं, और डिवीजन के बाद करते करते स्पर्म्स की प्रोडक्शन कर जाते हैं। अच्छा, स्पर्मेटिड तक, यानी कि ये जहाँ पर स्पर्मेटिड है, स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन तक तो सर्टोली सेल हेल्प कर रहे होते हैं। स्पर्मेटिड जब बन जाते हैं तो इसके बाद टेस्टोस्टेरोन लैडिक सेल से सिक्रीट हुआ और टेस्टोस्टेरोन यहां पर हेल्प करता है स्पर्मेटिड्स को, और स्पर्मेटिड से जो एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म है वो रिमूव हो जाता है, टेल लगना शुरू हो जाती है, यानी मैच्योरेशन में हेल्प करता है टेस्टोस्टेरोन। सो टेस्टोस्टेरोन का क्या फंक्शन है? स्पर्मेटिड्स की मैच्योरेशन में या स्पर्मेटिड्स को स्पर्मेटोजोन में स्पर्म में कन्वर्ट करवाने में टेस्टोस्टेरोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके, यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी मैं आपको बता दूं, जो स्पर्मेटिड्स होते हैं, स्पर्मेटिड्स से जो स्पर्म्स के प्रोडक्शन का प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। सो स्पर्मेटोजेनेसिस इज डिफरेंट थिंग एंड स्पर्मियोजेनेसिस इज डिफरेंट थिंग। स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटिड से स्पर्म की फॉर्मेशन को बोलते हैं, यानी ये लास्ट वाला जो स्टेप है इसे स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। अच्छा, जब ये स्पर्म्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, ये स्पर्म प्रोड्यूस हो चुके हैं, ये स्पर्म डेफिनेटली फिर ल्यूमन में एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे, यहाँ से डिटैच होके ल्यूमन में चले जाएंगे, और ये डिटैच होने में डेफिनेटली कुछ प्रोसेस हो रहा होगा। यहाँ से जब ये डिटैच होंगे और ल्यूमन में चले जाएंगे तो
तो ल्यूमेन से फिर ये ट्रैवल करते हुए कहाँ पर जाएंगे, एपिडिडिमस में जाकर स्टोर होंगे। तो यहाँ से डिटैच होना यानी सर्टोली सेल से हट कर ल्यूमेन में एंट्री करना स्पर्म का, इस स्टेप को कहा जाता है स्पर्मिएशन। सो यहाँ पर ये जो स्पर्म्स हैं ये सर्टोली सेल से रिलीज होकर जब ल्यूमेन में आते हैं तो इस प्रोसेस को स्पर्मिएशन कहा जाता है, स्पर्मिएशन। सो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको आनी चाहिए। सो स्पर्मिएशन क्या है? बेसिकली डिटैचमेंट ऑफ स्पर्म सेल्स फ्रॉम सर्टोली सेल्स इनटू द ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। सो होपफुली आपको लेक्चर की समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।